ध्यान से सभी लोग देखना इसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे अपना जो भी ए आई टी सिक्स का केमिस्ट्री जेई e. का पेपर था उसके सोल्यूशन का राइट सो लेट स्टार्ट विथ द क्लास ओके

राइट सो हाउ विज राइट सो बाई यूजिंग ट्रिक तो हेयर वी हैव इलेक्ट्रॉन सम एंड हेयर वी हैव बॉन्ड ऑर्डर देखो याद रखो इलेक्ट्रॉन सम लाइक टेन है इलेवन है ट्वेल्व है थर्टीन है फोर्टीन है फिफ्टीन है सेवेंटीन एंड एटीन तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन सम आएगा इतना ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं सबका इलेक्ट्रॉन सम इसके में आ जाता है इतने में, right? now, अगर इलेक्ट्रॉन सम आता है, तो बॉन्ड ऑर्डर लाइक अगेन फ्रॉम थ्री स्टार्ट डिक्रीजिंग द नंबर लाइक टू पॉइंट फाइव देन टू देन वन पॉइंट फाइव एंड फाइनली ट्रिक यू नीक टू रिमेम्बर राइट्रिक इज वेरी यूजफुल कैलकुलेटिंग द बॉन्डर बहुत यूजफुल होगा bond order calculate करने के लिए. तो देखो यहाँ पे O2 plus है. सबको पता है ओटू क्या होता है भाई ओटू यानी कितना हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन हम देखना है तो ओ टू में हम सबको पता है एट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ओ टू में हो गया सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन प्लस वन है तो इसमें माइनस वन कर दो क्योंकि प्लस चार्ज होता है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम

एंड हेयर एम मीन सेंट्रल आइटम सो कौन से केस में एमओ एम लिंकेज प्रेजेंट नहीं होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है तो बेटा देखो एमओ एम मतलब metal, 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 oxygen और metal का लिंकेज नहीं प्रेजेंट हो तो सी आर टू ओ सेवन में भी प्रेजेंट होता है क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच लिंकेज पी फोर ओ टेन में भी पी और फोर्स ऑक्सीजन के बीच होता है एन टू ओ फाइव में भी हमने देखा है एनओर ओ के बीच होता है सो ऑनली ऑप्शन इज एस टू ओ सिक्स मैं ड्रॉ भी कर देता हूं डायग्राम जिससे आपको क्लियर हो जाए

in which of these following equation does the heat of reaction represent standard enthalpy of formation of the product so out of the following you have to calculate in which of the following uh does the heat of reaction represent standard enthalpy of formation of the product right so basically if you are looking at the out of these four option only in n2 and 5 by o2 this react n2 and oxygen to form n2o5 right

ए करेक्ट होगा बिकॉज थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जबकि जो ऑप्शन है वो वो तो तो है है ही नहीं सो दे आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन है ना तो इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन अ गिवन कॉम्प्लेक्स सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन स्टेट राइट हेयर सो यहाँ पे so, so, right? so, यहाँ कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने लीगेंड उससे जुड़े हुए हैं सो हेयर वी हैव वन मॉलिक्यूल ऑफ इ एन एंड दो मॉलिक्यूल एन एस टू का है तो so, कितना हो गया थ्री इधर हो गए और थ्री ही इधर हो गए राइट और इधर कितने हो गए फोर इसके हो गए हैं तो टोटल कितने हो गए काउंट करो बेटा तो सबसे पहले ई एन का एक मॉलिक्यूल है ई एन का एक मॉलिक्यूल है इथेन वन टू डाइए और एनएस थ्री के कितने हैं तो एन थ्री के मॉलिक्यूल है हमारे पास इधर टू राइट सेम इधर एनएस थ्री के और कितने हैं फोर तो फोर एंड कितने हो गए टोटल कहीं भी काउंट कर सकते हो चाहो तुम इधर काउंट कर लो या इधर काउंट कर लो ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा तो ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल है तो ऑक्टाहेड्रल में कितने आ जाते हैं हमेशा सिक्स तो पे टोटल नंबर ऑफ जो नंबर आएगा वो तो सिक्स हो जाएगा कि कितने लिगेंड टोटल सराउंडेड है तो सिक्स लिगेंड इसके आसपास सराउंडेड है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ठीक है समझ आ रहा है ना देखो इसको वाल को भी देखते हो तो देखो ध्यान से चार अमोनिया इधर पांचवा ये ओवेच और छठा ये एन एस टू तो छे यहां से दिख गया अगर आप इसको कोबाल्ट को भी कंसीडर करते तो एक यहां से एक यहां से दो और एक तीन और दो अमोनिया तो टोटल कितने आ रहे हैं छे आ रहे हैं तो कहीं से भी देख लो चाहे आप इसको बाल्ट का देख लो इसको बाल्ट को देख लो आपको सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिल जाएगा दे आर आस्किंग व्हाट आर ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बल्ट का इस... कौन से फॉर्म में आ रहा है तो बेटा सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या चार्ज होता है क्या आप देखो एसओ फोर ट्वाइस नेगेटिव माइनस टू चार्ज और इस कॉम्प्लेक्स का माइनस वन तो टोटल तो तो कितना हो गया एक्स इज इक्वल टू थ्री यानी थ्री तो आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और सिक्स हो गया ये यानी ऑप्शन बी जो है इसके लिए बिल्कुल Correct. Chalo. Move to next question. That is the radii of F, F negative, O and O2 are in the correct order. So you have to uh, arrange them according to the radii. So we all know that higher the, jitna jada negative charge the size of the anion is larger as compared to their parent atom and size of cation is smaller as their parent atom. So obviously, if you just consider the fluorine and oxygen, so we know that

अब है हमारे पास दो दो ऑप्शन फ्लूरिन नेगेटिव और ओ टू नेगेटिव में तो एक तो ओ टू नेगेटिव हो गया और दूसरा हो गया फ्लूरिन तो पहले ये देख लो ओ और एफ कहाँ है ऑर्डर ये ओ से ज्यादा एफ तो ओ से ज्यादा एफ कहाँ दिख रहा है आप लोगों को एफ और ओ में एफ बड़ा है ओ से ये तो सही सही है क्या ये गलत है ये तो ये देखो ओ एफ से बड़ा है ये बिल्कुल सही है एफ और एफ नेगेटिव में कौन बड़ा हुआ एफ नेगेटिव ओ टू सबसे बड़ा हो गया तो ये देखो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है दिख रहा है आपको ओ टू बिल्कुल बड़ा हो गया यानी थर्टी फाइव के लिए अगर ध्यान से देखो एक बार और ऑर्डर कंसीडर करो देखो यहां बना लेते हैं एक बार तो ये एफ सबसे छोटा दिखा उससे बड़ा ओ दिखा ओ से भी बड़ा एफ नेगेटिव दिखेगा बेटा ठीक है एफ नेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज है और उससे भी बड़ा आएगा ओ टू नेगेटिव ठीक है ये ध्यान रखना इसमें क्या गड़बड़ी हो गई कि एफ नेगेटिव से बड़ा ओ नहीं क्योंकि तो नेगेटिव चार्ज हमेशा जब भी नेगेटिव आ जाता है तो अनायन का साइज बड़ा होता है एस कंपेयर टू नॉर्मल आइटम सो वी कैन से दैट ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो इस ये डी नहीं होगा बेटा ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ये ओ आर एफ के बीच ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डन चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पे तो देखो क्या बोला है

ओके okay. सो so, पे क्लियर गिवन है एक चीज कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टेम्परेचर ये चीज गिवन है राइट right? नाउ हम लिख सकते हैं क्या पी वन अपॉन पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू यह हम पढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ठीक है बेटा यानी हमें पता है कि यहाँ से जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि किसके आ रहा है टेम्परेचर के तो अब इस फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो क्या देखो यहाँ से क्या चीज देखने को मिल रही है इस चीज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर भी दे रखा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अब इसी चीज को आपको इक्वेट करना है बेटा तो प्रेशर की वैल्यू क्या है यहाँ पे गामा की पावर माइनस वन अपॉन गामा इज इक्वल टू टी और टी की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में क्यू सो वी कैन इक्वेट ना हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं गामा अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू थ्री सो गामा इज इक्वल टू थ्री गामा माइनस थ्री सो बस हो गया कम दैट इज थ्री इधर आ गया और थ्री गामा गामा इज गामा तो गामा इज इक्वल टू टू बाई तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई है टू थ्री तो ये निकल गया गामा अब हम सबको पता है गामा होता है सीपी बाई सीवी तो सीपी बाई सीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री बाई टू ठीक है तो ये कितना निकल के आ गया बेटा थ्री बाई टू तो ये चीज याद रखना है कि गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी बी सो इट्स कम्स आउट टू बी थ्री बाई टू तो कहाँ गया ऑप्शन भाई ये रहा थ्री बाई टू अब चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन तो देखते हैं क्या बोलता है थर्टी सेवन क्वेश्चन हमसे

this will gives us 3 PO4 PO4 twice twice right so 2 Ca3 PO4, twice. तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं अगर मैं इसका टॉमिक निकालू कैल्सियम का ट्वेंटी एंड ऑक्सीजन का सिक्सटी इंटू ट्वेंटी थर्टी सिक्स इंटू सिक्स तो ये हो गया टू एटी फोर राइट तो टू एटी फोर ग्राम ऑफ ठीक है 284 ग्राम ऑफ P4 मैंने सबका एटोमिक मास निकाला बेटा अगर आप इसका निकालो तो सिक्स इंटू फिफ्टी सिक्स हो जाएगा इसका निकालो तो 284 हो जाएगा तो मैं वही बोल रहा हूँ 284 ग्राम राइट right? तो 284 ग्राम ऑफ P4 P4 पी फोर रिएक्ट रिएक्ट विद कितना सिक्स इंटू फिफ्टी सिक्स ग्राम ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड राइट कैल्शियम ऑक्साइड तो बताओ 852 ग्राम जो क्वेश्चन में गिवन है ऑफ P4O10 कितना रिएक्ट करेगा तो भाई एक कितना करेगा 656 अपॉन 284 852 ये तो यूनिटरी मेथड हो गया 852 सो आंसर कम्स आउट टू बी 1008 ग्राम तो क्या हो गया सही दिस वन ठीक है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है move to the next question 38 among this uh, these three uh, complexes naco4 nacn4 nacl4 आपको बताना है कौन डाया है कौन पैरा है कौन क्या है है ना तो हम सबको पता है बेटा हेयर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हेयर वी हैव अ वीक लिगेंड हेयर वी ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड सो so, जहां भी ये वीक ली होता है वो पैरा मैग्नेटिक होते हैं तो एनआईसीएल इज डेफिनेटली पैरा मैग्नेटिक एंड दिस बोथ आर स्ट्रॉन्ग लीगेंट सो वी कैन से दैट दे आर टा मैग्नेटिक सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द टी थ्योरी और फ्रॉम द सी एफ टी थोरी राइट कि जब भी वीक लीगेंड आता है तो हमेशा पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फनफेर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सम स्ट्रॉन्ग लीगेंट लाइक सी एंड सी एन कम तो टाया मैग्नेटिक बताएगा सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ओके मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन

इन टू थाउजेंड ठीक है मास ऑफ़ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन वे ए ग्राम ए ग्राम तो ये ए रखो एंड मोरालिटी को बी रखो तो ये बी हो गया ये सी हो गया ये एम हो गया ये थाउजेंड हो गया और डिवाइडेड बाई अब ये कैसे निकलेगा अः ए ग्राम सॉल्यूशन है ये तो बेटा यहाँ में सॉल्वेंट चाहिए होता है सॉल्वेंट तो बेटा हमें पता है ना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट

ठीक है है सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ओके मूव टू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 41 क्या कहता है? बताओ जल्दी तो so, 41 क्वेश्चन कह रहा है फॉर दिस रिएक्शन ए एंड बी एंड सी सो यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट सी तो आपको सी बताना है बेटा सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन व्हेनेवर यू ट्रीट दिस विद एसओसीएल2 क्या मिलता है जल्दी बताओ तो so, जैसे ही आप इसको एसओसीएल2 के साथ ट्रीट करोगे ठीक है फ्रीडल क्राफ्ट सब्सिट्यूशन रिएक्शन तो क्या मिलेगा इसमें ध्यान से समझो सो so, जैसे आप एसओ टू सी एल टू के साथ ट्रीट करोगे तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा ना बेटा सी एस थ्री ग्रुप में कोई फर्क नहीं आएगा ये एज इट इज सेम रहेगा दैट इज यहाँ पे क्या चेंज आने वाला है बताओ तो ये हो गया एसे और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा क्या लग जाएगा बेटा क्लोरिन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है ठीक है नेक्स्ट स्टेप में एनबीएस के साथ ट्रीट किया ठीक है तो अब एनबीएस के साथ ट्रीट कर दिया है और जैसे इसको ट्रीट किया तो अब बन जाएगा हेल, मतलब का रिएक्शन यानी ये हो गया सी एच टू बी आर ठीक है और ये अपना जैसे था सेम टू सेम नेक्स्ट स्टेप में बोला है अगर इसको के एस एच के साथ ट्रीट कर दो एस एड टू मैकेनिज्म के थ्रू तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ तो ये मिल जाएगा अपना सिंपल सी एच टू राइट right? और ये तो अपना है सो वी है प्रोडक्ट ऑफ द एव हाइयर एस्टिफिकेशन रिएक्शन तो, B. तो B okay, so this, identify so आपको आइडेंटिफाई करना है हाइयर एस्टिफिकेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है सो वी हैव अ रिएक्शन लाइक दिस राइट एंड एस्टिफिकेशन करके इसका प्रोडक्ट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सो क्या आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इसका आएगा बेटा बहुत सिंपल सा रिएक्शन है मैं करके भी दिखा देता हूँ सो so, चलो एक हमारे पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है सी एच ओ एच सी ओ टू ठीक है सी ओ टू ले लिया हम लोगों ने सो so, और क्या क्या है बताओ जल्दी तो फिनाइल सी सीओ एच भी था तो ये हम लोगों का हो गया फिनाइल सी एच और ये पूरा ग्रुप हो गया ठीक है एक बार देख लो कन्फर्म आ, या सो किस किसकी हेल्प से हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा ठीक है हमें वही देखना है तो अगर हम ये वाला ग्रुप लेते हैं सीओ टू और इथाइल ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करा रहा हूं बेटा अगर आप ये वाला ग्रुप लेते ना तो आपका प्रोडक्ट बन जाता कैसे बनता इस पूरे को यहां समझते हैं देखो सबसे पहले क्या है तो हमारे पास हमें क्या दे रखा है पहले उसकी बात करो तो हमें दे रखा है सी एच ओ एच हि हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप राइट अब इसको जैसे ही आपने ट्रीट किया इथाइल अल्कोहल के साथ ठीक है इथाइल अल्कोहल के साथ एस के प्रेजेंस में हम सबको पता है भाई थाइल अल्कोहल में जो ओ होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी हेल्प करेगा वो इस कार्बन की हेल्प करेगा बिकॉज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप ओ है ना तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसकी सपोर्ट कौन करेगा ये लोन पेयर तो यहां पे क्या फॉर्मेशन हो गया बताओ तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ है बेटा जिसको ध्यान से आप देखो अगर तो दिखेगा सी एच ये ओ एच रहा ये सी रहा यहां से ओ तो अपना ले गया लेकिन उसके सपोर्ट में आ गया है कौन आ गया है ऑक्सीजन आ गया जिसके साथ एक इथाइल ग्रुप पूरा लगा हुआ है एच है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर दिया ठीक है और यहाँ जो है वो तो है ही क्या लगा हुआ है ओ एच ठीक है ओ एच और एक एच है यहाँ पे ठीक है ओ एच और यहाँ वाला जो एच था वो लग गया तो ये प्रोडक्ट बना बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये एच यहां से निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि ये जो दिख रहे हो यहाँ पे ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये वो चाहेगा कि मैं जल्दी से अपना नेगेटिव चार्ज को रिसीव कर लू है ना तो इसके चक्कर में क्या होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन को दोबारा डोनेट करेगा तो जैसे ही आप इसका वॉटर के साथ ट्रीटमेंट करोगे नेक्स्ट स्टेप में तो क्या मिल जाएगा आपको प्रोडक्ट एज अ जो हमें दे रखा था दट इज सी एच ओ एच सी ओ एच है ना तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द अब हाइयरफिकेशन तो यही हम लोग का जो सी प्रोडक्ट है बेटा ये प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा क्लियर है तो ये कहानी हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए चल मूव टू क्वेश्चन क्या कहता है भाई ध्यान से देखो जरा एक बार तो फोर्टी फोर क्वेश्चन So, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका तो देखो अगर आप इन सभी को ध्यान से देखो अगर तोड़ते पे मिलता, यहां मिल जाता। देखो, अगर आप इसको यहाँ से तोड़ रहे हो तो क्या मिलेगा एक एच सी एच ओ बता रखा है आपको जहां से तोड़ते हैं एक ओ इधर दे देते हैं एक ओ इधर दे देते हैं तो एक तो सी एच ओ मिल गया इधर तोड़ते ही प्लस एक क्या मिला यहाँ पे सीओ और फिर यहां से एक टूटा होगा तो इधर यानी CO2 टू भी मिल गया डन उसके बाद से एक और चीज क्या मिल रही है प्रोडक्ट और कहाँ तोड़ सकते हो एक आप यहाँ तोड़ोगे तो सी ओ एच सी एच ओ तो एक एच सी एच ओ का मॉलिक्यूल और मिल गया और ऊपर क्या मिल गया बेटे यहाँ से तोड़े हो तो सी ओ सी एच थ्री तो सी ओ सी एच थ्री और इधर सी एच ओ है तो तीनों प्रोडक्ट मिल गए यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बी

अब जब भी स्ट्रॉन्ग लीग होता है तो ये होता है वीक में ये होगा तब देखो यहाँ पेक लीगेंड तो पहले केस में तो होने वाला है एस पी थ्री टू एस पी थ्री अगेन वीक लीगेंड एस पी थ्री डी टू तो ये है ऑप्शन बेटा एसपी थ्री डी टू डी टू एस पी थ्री और एसपी थ्री डी टू तो देखो कौन सा है ये यस ऑप्शन सी तो फोर्टी फाइव का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स भाई व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ पीट थ्री फोर सी एल ज्योमेट्री बताना है और जब भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट पे देखो वैसे तो होना क्या चाहिए था कि जब भी ये चार का केसेस है तो चार के केसेस में या तो एसपी थ्री होता है टेट्राहेड्रल या डीएसपी टू होता है ऑक्टाहेड्रल तो जब भी प्लेटिनम यानी फाइव डी वगैरह ऑर्बिटल्स आ जाते हैं पिक्चर में तो वहां पर डीएसपी

तो ध्यान से देखो व्हेन वी ट्रीट दिस विद एल्कोहलिक एन बेसिकली क्या बनता है जैसे ही आपने इसको सी एच थ्री सी टू सी टू एंड दिस इज बी इसको जैसे ही आपने ट्रीट किया के ओ के साथ तो पता है के तो निकला ही निकला साथ में एक एच भी निकला तो ये बन गया सी एच डबल बॉन्ड सी तो ये प्रोडक्ट बना इसको जैसे ही हमने ट्रीट किया एल्कीन को Y के साथ Y मतलब एच बी आर मार्कोनिक्स एडिशन तो ये क्या बन गया सी एच थ्री सी एच और फिर यहां लग गया होगा बी आर और सी एच थ्री तो ये बन गया तो क्या क्या प्रोडक्ट है बेटा एच बी आर एंड के ओ एच एल्कोहोलिक तो कौन सा सेव बी एन एच एंड एच बी आर ठीक है चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच तो नाम दे रखा है भाई तो देखो सोडियम इथाइलीन डाइमाइन टेट्रा एसिटेटो क्रोमेट टू तो देखो भाई यहाँ पे क्या है सोडियम है ठीक है इथाइलीन इथाइलीन तो ये टेट्रा एसिटेट भी है इथाइलीन डाइमाइन भी है बट इसमें गलत क्या है तो इसमें गलत ये है क्रोमेट सेकेंड बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको वो बताना है तो करेक्ट नेम इसका क्या होना चाहिए था बेटा इसका करेक्ट नेम होना चाहिए था सोडियम ठीक है इसका नाम होना चाहिए था सोडियम उसके बाद आता है कितनी लीगेंड है दैट इज अ है ना उसके बाद टेटेरा एसीटेट क्योंकि ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी मेंटेन करना होता है इसने इथाइलिन ई से शुरू होता है एसीटेट ए से शुरू होता है तो पहले एसीटेट वाले का नाम लेना था तो ऑप्शन ए ही गलत है यानी यही इसका करेक्ट आंसर हो गया क्योंकि पूछा था इनकरेक्ट बताओ चलो विच ऑफ द मेजर प्रोडक्ट के साथ ट्रीट करते हैं सबको पता है तो ये तो बन गया आपका फ्ल्यूरोजीन और फ्लोरोबेंजीन का फिर से एनएनओ टू के साथ कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोबेंजीन में तो बिल्कुल एनसीआरटी का एक सिंपल सा एग्जांपल है है ना? तो या ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन सो वी है जेड थ्री है तो डिटरमाइन एक्स प्लस जेड सो आपको एक्स प्लस जेड को डिटरमाइन करना है टेन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी फाइव यही करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें कुछ भी नहीं था नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन गॉडलियम जेट सिक्सटी फोर तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए ब्लॉक का एलिमेंट है ये तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिखते हैं एक्सिक्स एस टू फोर एफ सेवन एंड फाइव डी वन तो कितने हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो ये तो फुल है सात तो एफ के हो गए और एक डी का हो गया टोटल तो 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 आठ तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑफ सीआरओ बॉन्ड इन क्रोमेट तो क्रोमेट तो का स्ट्रक्चर आ गया पहली भी ये क्वेश्चन आ चुका है तो चलो बना देते हैं डायग्राम ये रहा ओ ओ एक ओ बीच में लिंक करता है दोनों के ओ ओ और ओ ठीक तो है तो पूछा है नंबर ऑफ बॉन्ड इन क्रोमेट कितने हैं भाई सीआर ओ बॉन्ड एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ तो टोटल तो आठ तो एट है बेटा तो टोटल क्या हो जाएगा आंसर इसका टोटल नंबर ऑफ गैस रिएक्शन एस थ्री बी के पी वन एंड पी गिफ्स टू क्यू प्लस आर के पी टू अकरिंग इन टू डिफरेंट वेसल एट द सेम टेम्परेचर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए एंड पी आर सेम

तो हमें पता है एक इक्वेशन दे रखी है इसने ए विच इज इन गैसियॉर्म गिप्स थ्री बी इसके लिए दे रखा है के पी वन नाउ एट इक्बीरियम तो एट इक्बीरियम वन माइनस एल्फा इज इक्वल टू थ्री एल्फा ये समझ गए ए ए है इनमें से वन माइनस एल्फा गया तो यहाँ पे कितना बना होगा थ्री अल्फा बना होगा तो अगर मैं केपी वन की बात करूं तो केपी वन इज नथिंग बट थ्री एल्फा का क्यूब ठीक है थ्री एल्फा का क्यूब वन माइनस एल्फा पी स्क्वायर वन प्लस एल्फा का स्क्वायर सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या है कि पी कहा गया हा पी गिवस टू क्यू प्लस आर सब गैसियस फॉर्म में है केपी टू तो इसके लिए क्या होगा भाई वन माइनस एल्फा इज इक्वल टू टू एल्फा प्लस एल्फा तो केपी टू बताओ केपी टू कम्स टू बी टू एल्फा स्क्वाइनस एल्फा इंटू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर वन प्लस टू एल्फा का होल स्क्वायर सेम टू सेम पहले वाले की तरह अब आपको कुछ नहीं करना है सिंपली केपी वन रेशियो केपी टू जो कि गिवन है एक्स बाई फोर तो बस इसको इक्वेट कर देना है इन दोनों को Kp1, Kp2 निकल गया है, दोनों का रेशियो एक्स बाई फोर करके एक्स निकाल देना है सो so सॉल्विंग अगर आप करोगे तो एक्स कितना जस्ट like सॉल्व कर लेना है वीक एसिड ऑफ जीरो पॉइंट वन मोलर एच ए इज वन परसेंट आयोनाइज वट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन सो यू हैव टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो कैसे निकलेंगे भाई तो हम सबको पता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस ऐसे क्वेश्चन में के लिए कैसे लिखते सी इंटू एल्फा स्क्वायर अब C दे रखा है जीरो पॉइंट वन एल्फा दे रखा है मतलब तो कितना आ गया टेन की पावर माइनस थ्री ऑल नो वट इज पी एच नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोनियम प्लस तो विच इज इक्वल टू माइनस लॉग टेन रेस टू दावर माइनस 3 तो ऑन सोल्विंग इम्स आउट टू बी थ्री तो कितना आंसर हो जाएगा थ्री तो पीएच ऑफ़ द सॉल्यूशन इज थ्री डन 57 को देखते हैं चलो तो 57 क्या बोलता है कि uh, 6 मल ऑफ़ 0.1 मोलर केमेनोफोर आर कंप्लीटली रिड्यूस बाय 0.5 मोल ऑफ़ द मिक्सचर एफएसओ फोर एंड एफई टू एसओ फोर थ्राइस एसिडिक मीडियम व्हाट इज़ द मोल ट दोलेंट तो कुछ नहीं वाला लगाते हैं कि कैसे लिखेंगे इसका? बताओ. तो हो जाएगा एन इंटू एक्स पता नहीं है इंटू एम इंटू एक्स और वॉल्यूम लिख देंगे वी इंटू एल ठीक है अब देखो ये एन हो गया इंटू वन हो गया बोल रखा है वन मोल बेटा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ जीरो जीरो पॉइंट सिक्स हो गया यहाँ से बेटा क्या आप एन नहीं निकाल सकते हो देखो एन इंटू वन रहेगा इज इक्वल टू एम एम की वैल्यू पुट करो तो जीरो पॉइंट वन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी फाइव इंटू जीरो पॉइंट सिक्स तो यहां से एन निकालो ऑन सॉल्विंग्री तो नंबर ऑफ मोल जीरो पॉइंट थ्री आ गए तो अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज नंबर ऑफ मोल्सोर थ्राइव तो ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री तो ये आ गया जीरो पॉइंट टू तो कैसे हो जाएगा ये जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फाइव इन टू हंड्रेड तो कितना आ गया फोर्टी परसेंट तो ऑन परसेंट डन तो फोर्टी परसेंट इज द आंसर क्लियर है तो फोर्टी परसेंट हम लोग का आंसर ये आ गया है चलो वेरी गुड तो फोर्टी परसेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस नो हाउ मैनी कंपाउंड वु पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट आपको बताना है कि इसमें से कितने पॉजिटिव आइड्रोफॉर्म टेस्ट को दे देंगे ठीक है आउट ऑफ द फॉलोइंग तो ध्यान से देखो बेटा कौन सा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट को इसमें से देगा और कौन नहीं देगा तो बहुत ध्यान से देखना कौन कौन से देंगे तो एक ये लिंकेज है सी डबल देखो ये लिंकेज होना चाहिए सी डबल पॉइंट ओ का या सी एस थ्री सी ओ एच इस तरह का लिंकेज जहां भी देखने को मिलेगा वो देगा तो ये देगा एक दूसरा बताओ ये देगा दो आ, ये नहीं देगा फिर ये देगा क्या आ, नहीं एक ये देगा तीन हो गए एक दो तीन उसके बाद से बताओ सी एस थ्री सी एच सी एच कहा गया सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड हो तो ये भी इस तरह का टेस्ट दे देगा तो कौन कौन से टेस्ट दे रहे हैं पहले उनके नाम लिखो बेटा तो एक तो ये वाला हो गया एक काउंट करते हैं दूसरा कौन सा हो जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो तो ये दूसरा हो गया तीसरा हो जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस थ्री तो सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एस थ्री दो ठीक है तो तीसरा ये हो गया और बताओ भाई तीन तो ये हो गया फिर सी एस थ्री सी एच ओ एच और कौन देगा भाई कितने हो गए टोटल तो ये हो जाएंगे हमारे और सी एस थ्री सी एस टू एच ये भी दे देगा तो ये हो गए हमारे एक दो तीन चार पांच ठीक है तो टोटल एक और कौन रहेगा ये वाला तो टोटल छ है बेटा तो टोटल छ है जो दे देंगे तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दैट इज सिक्स तो सिक्स हमारे हैं जो दे देंगे

फाइव yeah. या तो ये थे सारे क्वेश्चन तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो ध्यान से एक बार तुम लोग भी देखो इसको रिवाइज करो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओन वे आल्सो एक बार दोबारा ट्राई करना सॉल्व करने का सभी तो दिस इज ऑल सो थैंक यू ऑल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वहां फिर हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे